कैसे मौत और आतंक का खेल खेलने वाला माफिया अतीक अपने बेटे असद के एनकाउंटर की खबर मिलने के बाद बुरी तरह से हिल गया। कोर्ट रूम के अंदर और बाहर कैसे अतीक अहमद के होश फाख्ता हो गए, देखिए प्रयागराज से आई एक्सक्लूसिव तस्वीर। असद के एनकाउंटर की खबर सुनकर अतीक बेसुध हो गया। प्रयागराज में पुलिस कस्टडी से आई ये तस्वीर इसका सबूत है। अतीक रो पड़ा, अशरफ भी रो पड़ा, दोनों के चेहरे लटक गए। सूत्रों से पता चला कि प्रयागराज के थाने में अतीक ये भी बोला कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मेरे कारण ही असद मारा गया। इसके बाद अतीक ने पुलिस वालों से पूछा कि असद को कहां दफनाया जाएगा। इससे ठीक पहले अतीक और अशरफ को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। सूत्रों के मुताबिक माफिया को अदालत में ही बेटे के एनकाउंटर की जानकारी दी गई। उस वक्त अतीक सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। सीजेएम कोर्ट ने उमेश पाल शूटआउट में यूपी पुलिस को अतीक और अशरफ से पूछताछ के लिए 4 दिन की रिमांड मंजूर की। इससे पहले कोर्ट के बाहर अतीक और अशरफ पर जूते फेंके गए, पानी की बोतलें फेंकी गई।